स्टूडेंट, आज हम आप लोग को कुछ क्राफ्ट वर्क बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ कलरफुल पेपर लिया है, ग्रीन पेपर और येलो कलर का पेपर है और एक पिंक कलर का पेपर है और एक ब्लू कलर का भी पेपर है, एक वाइट A3 साइज का एक वाइट पेपर लिए हैं। और यहाँ पे हमने येलो पेपर लिया है। येलो पेपर हमने ये जो इसका वेथ है ये 2 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इस तरह से हमने पेपर को लिया है। ये पिंक पेपर जो है इसी साइज़ का ये भी है। और यहाँ पे हमने ग्रीन पेपर लिया है। ग्रीन पेपर जो है इसको हमने ये वेथ जो है इसका 3 सेंटीमीटर और ये लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो अभी हम इससे लिप्स बनाएंगे और इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो आइए हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे राउंड बना लेंगे, एक राउंड यहाँ, एक राउंड यहाँ पे और एक राउंड यहाँ पे। तो आइए हम उसको अब बनाते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर्स हैं हम इसको कट करेंगे सीजर से। इस साइज में पेपर को हम काट लेंगे, जो भी हमारे पास इस तरह के पेपर है। पिंक पेपर भी है, इसे भी हम काटेंगे। पेपर को हमने काट लिया है लगभग। यहाँ पे अब हम इसे फेविकोल सहायता से इसको हम लगाएंगे। फेविकोल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसे। फेविकोल से चिपकाएंगे पेपर को। इस तरह से हमने पेपर को चिपका लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फेविकोल थोड़ा सा लगाएंगे ऊपर और फेविकोल हम नीचे की तरफ लगाएंगे और इसे चिपकाएंगे यहाँ। यहाँ पे इस तरह से चिपकाएंगे। नेक्स्ट जो भी है इसको भी चिपकाएंगे।
तरह से हम चिपकाएंगे पेपर को। चिपकाने के बाद हम एक ये राउंड सा काट लेंगे ब्लू कलर का पेपर, इसको अच्छी तरह से फेविकोल लगाएंगे। यहाँ बीच में चिपका देंगे। ये एक फ्लावर तैयार हुआ है। इसी तरह से अब हम येलो को भी चिपकाएंगे। हमने इसे चिपका लिया है, फिर उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। इसको ऐसे चिपकाने के बाद अब हम ब्लू कलर का एक पेपर लगा देंगे। इसी तरह से एक और हम बनाएंगे। एक कलरफुल हम बना लेते हैं दोनों को मिक्स करके।
इसे चिपका देंगे। कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें आप इसके टहनियों को बनाएंगे, जो फ्लावर्स में जो हैं सही आते हैं। उसके बाद हम इसमें पत्ती के लिए ये पेपर हम लेंगे। इसका जो साइज है वो ये वेट जो इसका है 3 सेंटीमीटर और लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर जो हम लिप्स के लिए यूज करेंगे पत्ती बनाने के लिए। पत्ती बनाने के लिए आपको इसे इस तरह से मोड़ लेना है, इसे इस तरह से काट लेना है, एक बार इसे फोल्ड करना है। इसे चिपकाते हैं। इसमें पेंसिल से हम चाहे तो इसे बना भी सकते हैं। ऐसे पत्ती के आकार दे सकते हैं हम।
इस तरह से दोस्तों एक नए तरह का फ्लावर बन के रेडी हुआ है, जिसमें 3D प्रभाव ही आपको दिख रहा होगा फ्लावर्स में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।